आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। संबल के हयात नगर थाना इलाके में ट्यूबवेल के पानी में करंट उतरने से इसमें नहा रहे दो सगे भाई समेत चार बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे से परिवार के साथ ही पूरे ग्राम में कोहराम मचा हुआ है। ग्राम पेतिया निवासी शिवम 6 वर्ष व विष्णु 8 वर्ष, पुत्रगण सर्वेश, धर्मवीर उर्फ गणेश 10 वर्ष, पुत्र भोला उर्फ यादराम और गणेश 11 वर्ष, पुत्र संजय को शाम करीब 4 बजे ग्राम के ही तेजपाल के ट्यूबवेल पर नहा रहे थे। कुछ देर बाद ही खिरनी फीडर से ट्यूबवेल के ट्रांसफार्मर तक आ रही हाई टेंशन लाइन में अचानक फॉल्ट हो गया, इससे करंट ट्यूबवेल के पानी में उतर गया। पुलिया में नहा रहे बच्चे करंट लगने से झटपटाने लगे। पास के खेत पर काम कर रहे लोग भागकर ट्यूबवेल पर पहुंचे, लेकिन तब तक बच्चे करंट के तेज झटके से बेहोश हो चुके थे। लोगों ने ट्यूबवेल का करंट काट कर बच्चों को जैसे तैसे बाहर निकाला। इस बीच सूचना मिलने पर हयात नगर थाना प्रभारी रणवीर सिंह भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिसकर्मी आनन फानन में अपनी गाड़ी से बच्चों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे और उन्हें भर्ती कराया। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर चमन प्रकाश ने कुछ ही देर में बारी बारी से सभी को मृत घोषित कर दिया। दो भाई समेत 4 बच्चों की मौत की खबर सुनकर ग्राम के लोग भी बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच गए। चारों ओर चीख पुकार मच गई। एसपी यमुना प्रसाद, एएसपी पंकज कुमार पांडे, एसडीएम दीपेंद्र यादव, सीओ डॉक्टर के सरोज ने भी जिला अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। इस हादसे से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, ग्राम में सन्नाटा फैल गया है। परिजनों का आरोप है कि उस वक्त एम्बुलेंस पहुंच जाती तो कुछ अच्छा हो जाता, लेकिन बड़ी लापरवाही अस्पताल कर्मचारियों की बताई जा रही है। एसपी यमुना प्रसाद और एसडीएम संबल दीपेंद्र यादव ने परिजनों को आश्वासन दिया और कहा कि हर सरकारी सहयोग दिया जाएगा। सर साहब, कैसे हादसा हुआ जो 4 बच्चों की मौत हुई है? ये बच्चे रोज नहाने जाते थे, वैसे रोज भी ना तो कभी कभी तो जाते थे। इन्होंने गांव के बिल्कुल नजदीक है, आबादी से 50 मीटर दूर ट्यूबवेल है पास में, लेकिन ऊपर का जो तार था वो दूसरी तरफ एंगल में लग गया, एक तरफ जाकर ऊपर, और एंगल से करंट आ गया। वहाँ खूब देर भड़ाका हुआ है, उसके बाद जो स्टेप होता है पोल को रोकने वाला लोहे का तार, उसमें करंट आ गया, और उसके करंट से वो 11,000 की लहन है ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, एकदम हौदी में करंट पहुँच गया। चारों बच्चे एक साथ नहा रहे थे हौदी में, और बस वहाँ करंट ने इनको खत्म कर दिया। बच्चों को अस्पताल कैसे लाया गया, क्या सहायता मिली? जैसे पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस पहुँच गई। हम लोग वहाँ बच्चों को दबा रहे थे, गोबर से मल रहे थे, वैसे उनके हाथ पैर दबा रहे थे, वो मसला ही कर रहे थे, लेकिन पुलिस से एकदम लेकर के अपनी गाड़ी में रख के पुलिस गया। एम्बुलेंस पहुंची नहीं? एम्बुलेंस नहीं पहुंची, लास्ट तक भी नहीं पहुंची एम्बुलेंस को। फोन किया था आप लोगों ने? आप 108 को फोन करा, और यहाँ आकर के भी लापरवाही है, कोई ऑक्सीजन नहीं, किसी डॉक्टर ने कोई देखभाल पैसे बढ़ी नहीं। क्या वजह हुई? ये बिजली से साफ घटना हुई है, बिजली से घटना हुई है और 4 बच्चों की मौत हुई है। मालिक के लापरवाही की वजह से बत्ती जो नीचे आई उसकी वजह से दुर्घटना हुई। बच्चों को किस तरह से लाए यहाँ पर अस्पताल तक? खेत में नहाने के लिए आए थे, छोटे बच्चे थे, कोई 11 साल का, कोई 10 साल का है, कोई 5-6 साल का। पुलिस की गाड़ी से आए बच्चे या एम्बुलेंस आई थी? यहाँ सब पुलिस की गाड़ी आई थी, एम्बुलेंस को बहुत फोन करे, एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकी मौके पर, पुलिस वाले खुद एसओ साहब अपनी गाड़ी में डाल कर आए। आगे क्या करना लापरवाही हुई है? सर, ये विद्युत करंट से 4 बच्चों की मौत हुई है, क्या पूरा? हाँ, ये संभल में एक अत्यंत ही दुखद घटना हो गई है, जिसमें थाना हयात नगर क्षेत्र के तैतिया गांव में एक ट्यूबवेल में 4 बच्चे नहाने गए थे और उसमें किसी तरीके से करंट उतर आया, जिससे 4 बच्चों की मृत्यु हो गई। इनको हॉस्पिटल ला गया है, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और विधिक कार्रवाई की जा रही है, और इनके परिवार के साथ अत्यंत ही दुखद घटना हुई है, जिसमें सभी लोग संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, और इसके साथ पूरा प्रशासन अपनी विधिक व्यवस्था कर रहा है, और इनके परिवार के साथ जो भी दुखद घटना हुई उसमें संवेदनाओं के साथ। सर, अभी तक पता चल पाया किसकी खामी उससे सर ये हुआ है? सर, अब इसके लिए कमेटी, जांच कमेटी बनेगी, पता चलेगा कैसे क्या दुर्घटना हुई, कैसे करंट उतरा बाकी का, लेकिन अभी तत्काल तो हमारी ये व्यवस्था कि कैसे इनके परिवार को सांत्वना दी जाए और कैसे उसके साथ जो विधिक कार्रवाई पीएम वगैरह की है वो करवाई जाए। पुलिस प्रशासन इसी में लगा हुआ है, परिवार को सांत्वना देने के साथ साथ पीएम और आगे की कार्रवाई जो विधिक होती है, जैसा परिवार चाहेगा उस तरीके।